हेलो स्टूडेंट, तो बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टेडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड पैलियो बोटनी के बारे में। तो इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि भाई हम पढ़ रहे हैं कि जो टेडोफाइट्स पादपों के बारे में, तो हमने बताया है कि भाई जो टेडो जो फाइट्स जो पादप होते हैं इनको विभिन्न प्रभागों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है। तो आज हमारा पर यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा, प्रभाग रहेगा, वो कौन सा भाई? स्फिनोफाइटा। तो आज का हमारा कौन सा प्रभाग है? थर्ड स्फिनो फाइटा। तो स्फिनोफाइटा प्रभाग की हम बात करें तो जो इसके जो अधिकांश जो सदस्य होते हैं, अधिकांश जो वंश हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, इसमें केवल एक ही वंश जीवित है जिसको हम जानते हैं इक्विशिटम के नाम से। ठीक है भाई, स्फिनोफाइटा के अंदर जब हम टेडोफाइट्स का जो अध्ययन करते हैं उसमें से केवल ही एक ही वंश जीवित है, कौन सा? इक्विशिटम। बाकी जो सभी वंश हैं वो क्या हो चुके हैं? लुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा इसके सामान्य कैरेक्टर्स की बात करें तो भाई इनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं इसके अलावा वो कैसी होती हैं? सरल होती हैं और सल के प्रकार की होती हैं। इसके अलावा इनमें जो स्तंभ होता है वो कैसा होता है? शाखित होता है। इसके अलावा जॉइंटेड होता है, मतलब संधित होता है, और उसमें क्या होते हैं? नोड इंटरनोड पाए जाते हैं, पर्व संधियाँ पाई जाती हैं इनके में। ये हम कह सकते हैं कि इनका जो बीजाणुद होता है वो क्या होता है? विकसित प्रकार का होता है। विकसित प्रकार से मतलब कि ये जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। इसके अलावा इसमें हम बीजाणुओं की बात करें तो ये समबीजाणुक होते हैं अधिकांश पादप, और बहुत रेयर मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक भी होते हैं। तो ये उसके कुछ सामान्य कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि इनमें जो बीजाणु पादप होता है वो किसमें? जड़ तना और पत्तियों में विभेदित होता है। इनका जो बीजाणु पादप जड़ तना व पत्तियों में विभेदित होता है, तो हम कह सकते हैं ये क्या होता है? साइलोफाइटा की तुलना में विकसित प्रकार के होते हैं। दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो इनमें स्तंभ या तना कैसे होता है? जॉइंटेड होता है, मतलब संधित होता है, और हमने बताया था किसमें? पर्व संधियों में विभेदित होता है। पर्व संधियों में विभेदित होता है। इसके अलावा थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो इनमें जो पर्व होता है वो खोखला होता है, जैसे कि सपोज क्या है? कोई प्लांट का क्या है? तना है भाई। तने में जैसे यहाँ से जो भाग पत्तियाँ निकलती हैं, जिस भाग से जो पत्तियाँ निकलती हैं इसको तो हम बोलते हैं पर्व संधि। ठीक है भाई, जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्व संधि। और जो पर्व संधियों की जो मध्य के स्थान है, सपोज यहाँ से और यहाँ तक का, तो ये वाला भाग होता है क्या कहलाता है भाई? पर्व कहलाता है। पर्व संधियों के जो मध्य का स्थान होता है, स्पेस पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? पर्व कहलाता है। और हम इन जो टेडोफाइट्स की बात करें तो इनका जो पर्व होता है कैसा होता है? खोखला पाया जाता है, कि ये वाला जो भाग होता है किस प्रकार से होता है? अंदर से खोखला पाया जाता है। इसके अलावा जो अगला कैरेक्टर होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं सरल, छोटी वे सल्की होती हैं। ये पर्व संधि पर चक्रिक रूप में व्यवस्थित होती हैं। किसके रूप में? चक्र के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इनके स्तंभ में हम रंभ की बात करें
तो इनमें ठोस रंभ व नाल रंभ पाई जाती है, ठोस रंभ व नाल रंभ पाई जाती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि भाई इसको जो स्टेनोफाइटा है इसमें जीवितपन कौन सा है, इक्विसीटम। तो जो इक्विसीटम होता है उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, लेकिन इस जो प्रभाग के जो वंश विलुप्त हो चुके हैं उन सब में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। तो हम यह कह सकते हैं इसके जीवित वंश में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, केवल कहाँ पाई जाती थी, जो विलुप्त हो चुके हैं उनमें पाई जाती थी। लेकिन लुप्त जातियों में, या हम कह सकते हैं विलुप्त जातियों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इनकी जो पर्वसंधि होती है, पर्वसंधि पर क्या होती है, शाखाएं होती हैं। इनकी पत्तियों की कक्ष से चक्रीय क्रम में विकसित होती हैं। ठीक है भाई, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रभाग स्पिनोफाइटा के अंतर्गत उसके अंतर्गत क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि इसका जो बीजाणु जो होता है ये विकसित प्रकार का होता है, हम कह सकते हैं कि ये जड़ तना व पत्तियों में क्या होता है, विभेदित होता है। उसके अलावा जो स्पिनोफाइटा के जो सदस्य होते हैं इनमें जो तना होता है कैसा होता है, जॉइंटेड होता है, हम कह सकते हैं संधित होता है। इस प्रकार से ये क्या है, तना है, इस प्रकार से क्या होता है कि संधित होता है। तो इस प्रकार के से जो भाग पाए जाते हैं क्या कहलाता है, जॉइंटेड या संधित तना कहलाता है, जो किसमें भी पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है। पर्व संधियों में बता दिया कि जहां से पर्ण वगैरह निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पर्व संधियां बोलते हैं। और जो पर्व संधियों के जो मध्य में जो गैप पाया जाता है या स्पेस पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, पर्व कहते हैं। इनका पर्व कैसा होता है, खोखला होता है बीच में से, और जो पत्तियां होती हैं ये सरल प्रकार की पाई जाती हैं, छोटी होती हैं और सल्की होती हैं। ये पर्व संधि पर किसके रूप में, चक्र के रूप में व्यवस्थित होती हैं। सपोज ये क्या है, एक स्टेम है, स्टेम से क्या होता है, पर्व संधि निकली, तो इसके रूप में यहाँ पर क्या होते हैं, चक्र के रूप में पाई जाती हैं। मतलब एक पत्तियों का एक क्या होता है, चक्र पाया जाता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं किसके रूप में, चक्र के रूप में व्यवस्थित होती हैं। और इसका जो स्टेम होता है जो तना होता है उसमें क्या होता है, ठोस रंभ और नाल रंभ पाया जाता है संवहन के रूप में। इसके जीवित वंश में हमने पढ़ा कि जैसे इक्विसीटम होता है उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, लेकिन इसके जो वंश विलुप्त हो चुके हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। ये हम कह सकते थे वो लंबाई चौड़ाई में अधिक विकसित होते थे। इसके अलावा जो पर्व संधि होती है उस पर जो शाखाएं होती हैं उनकी जो पत्तियों की जो कक्ष हो जो पक जो पत्तियों की जो कक्ष हो है वो किसके रूप में, चक्र के रूप में क्या होती है भाई, विकसित होती है। यहां तक क्लियर है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो बीजाणु पादप होता है तो इनमें बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। तो बीजाणु जो धानियां होती है किस पर विकसित होती हैं, बीजाणु धानी धर पर, बीजाणु धानियां, बीजाणु धानी धर पर विकसित होती हैं। ठीक है भाई, इनमें बीजाणु धानियों का निर्माण होता है, और जो बीजाणु धानियां होती है कहां पर, बीजाणु धानी धर पर विकसित होती हैं। और ये जो बीजाणु धानी धर होते हैं ये शाखा के शीर्ष पर क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। तो बीजाणु धानी धर शाखा के शीर्ष पर शंकु बनाते हैं। सपोज ये क्या है, तना है, इससे क्या निकल गई, शाखाएं निकल गई। तो शाखा का जो शीर्ष होता है यहां पर क्या बनता है, कोण, शंकु के समान क्या होती है, संरचना बनती है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी धर। इसके बाद हमने बताया था कि इसमें जो अधिकांश जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं, समबीजाणुक, लेकिन बहुत रेयर मात्रा में बताया था या कम मात्रा में विषम बीजाणुक होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इनमें जो युग्मकोद्भिद होता है, युग्मकोद्भिद स्थलीय होते हैं, हरे वे कैसे होते हैं, स्वपोषित होते हैं। किन में क्लोरोफिल पाया जाता है, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और इनमें जो युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है, युग्मकोद्भिद का विकास बहिर्बीजाणुक होता है। इसके अलावा इसमें जो पुम्णु होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकसाबिकी होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। बीजाणुधानी किस पर, बीजाणुधानी धर पर विकसित होती है। और जो बीजाणुधानी धर होते हैं शाखा के शीर्ष पर क्या बनाते हैं, भाई शंकु बनाते हैं या कोण बनाते हैं। इसके जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। और बहुत कम मात्रा में जो वंश होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमबीजाणुक होते हैं। इनका जो युग्मकोद्भिद जो पादप होता है वो कैसा होता है, स्थलीय होता है। और ये कैसे होते हैं, स्वपोषित होते हैं। इनमें जो युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है कैसा होता है, बहिर्बीजाणुक होता है। और इसमें जो पुम्णु पाए जाते हैं जिस वो कैसे होते हैं, बहुकसाबिकी पाए जाते हैं, कि मतलब इनमें कसाबिकाओं की संख्या अनेक पाई जाती है। तो यहाँ तक क्लियर है। ये तो थे अपने प्रभाग स्पिनोफाइटा के सामान्य लक्षण के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके वर्ग के बारे में। तो इसको दो वर्गों में सम्मिलित किया गया है। तो इसके दो वर्ग या इसमें दो वर्ग सम्मिलित हैं। इसमें अपना पहला होता है भाई स्पिनोफिलोप्सिडा, और दूसरे हम वर्ग की बात करें, दूसरा वर्ग होता है अपना केलेमोसिडा। ठीक है, तो पहला वर्ग कौन सा है, स्पिनोफिलोप्सिडा, दूसरा है केलेमोसिडा। तो जो स्पिनोफिलोप्सिडा जो वर्ग है इसमें फिर एक गण रखा गया है, इसमें केवल एक गण रखा गया है जिसका नाम क्या है भाई, स्पिनोफिलेल्स है, स्पिनोफिलेल्स। और इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक इसमें जीवित वंश है जिसका नाम है स्पिनोफिलम। उसके बाद दूसरा अपना जो वर्ग होता है वो क्या है, केलेमोप्सिडा। इसमें हम बात करते हैं, इसमें तीन गण रखे गए हैं। इस वर्ग के अंतर्गत कितने गण रखे गए हैं, तीन। तो सबसे पहले वही क्या होता है, प्रभाग होता है, प्रभाग के बाद क्या होता है, वर्ग, वर्ग के बाद क्या होता है, गण। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, केलेमोप्सिडा की। तो इसके अंतर्गत तीन गण रखे गए हैं। इसमें अपना जो सबसे पहला जो गण होता है वो होता है केलेमाइटेल्स। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो सभी सदस्य इसके क्या है, जीवाश्म है, फॉसिल्स हैं। सभी सदस्य कैसे हैं, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे गण की बात करें तो दूसरा गण होता है अपना हाइनियल्स। इसके भी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो सभी सदस्य किसके रूप में पाए जाते हैं, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। और थर्ड गण अपना होता है इक्विसीटेल्स। गण थर्ड क्या है,
इक भी सी टेल्स। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें इक्विसीटेल्स नाम से स्पष्ट हमने बताया था, सॉरी टेरिडोफाइट्स कौन सा हो गया, इक्विसीटम। इक्विसीटेल्स का क्या हो गया भाई, इक्विसीटम। तो ये था अपना प्रभाग स्पिनोफाइटा के वर्गीकरण के बारे में कि इसके में दो वर्ग कौन कौन से, स्पिनोफिलोप्सिडा और केलेमोप्सिडा। इस जो पहला जो वर्ग है इसके अंतर्गत एक ही गण रखा गया है जिसका नाम है स्पिनोफिलेल्स, और जिसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, स्पिनोफिलम। उसके बाद हम बात करते हैं केलेमोप्सिडा की, जिसके अंतर्गत तीन गण रखे गए हैं, जिसमें अपना जो सबसे पहला जो गण है कौन सा है, केलेमाइटेल्स होता है। इसमें क्या रखे गए, जीवाश्म रखे गए हैं। इसके अलावा इसमें जो दूसरा अपना जो गण है वो क्या है, हाइनियल्स है। इसमें भी क्या रखे गए, जीवाश्म रखे गए हैं। और जो इसका जो थर्ड गण होता है वो अपना क्या होता है, इक्विसीटेल्स। इक्विसीटेल्स के अंतर्गत इक्विसीटम टेरिडोफाइट्स को रखा गया है। तो इसी के साथ ही अपना जो स्फिनोफाइटा जो प्रभाग है वो कंप्लीट हो चुका है।